नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस प्रश्न को देखिए, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आव्यूह दी है a बराबर 5, 2 माइनस 3 और 2, मतलब कि 2x2 की एक ही आव्यूह दी है और यहाँ पे आपको a डैश निकालने के लिए कहा गया है। a डैश मतलब a का ट्रांसपोज या a का परिवर्त, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ आप a डैश का मान निकाल सकते हैं ना। a डैश में क्या होता है, पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा काम आपको क्या करना है कि ये जो पंक्ति के अवयव है अब ये स्तंभ में लिखे जाएंगे। पहली पंक्ति के अवयव है 5 और 2, तो ये अवयव अब पहले स्तंभ के बन जाएंगे और दूसरी पंक्ति के अवयव -3 और 2 ये दूसरे स्तंभ के बन जाएंगे। तो ये आपके पास a डैश का मान इस प्रकार से आ जाएगा। सिंपल, एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है इस प्रकार के प्रश्न। अब यही प्रश्न होंगे लेकिन थोड़ा सा ये शब्दों को ही हेर फेर करके भी आ सकते हैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न, यहाँ पे आपको एक आव्यूह दी है, इसका परिवर्त आव्यूह आपको बताना है, तो क्या आप इसे कर लेंगे? चलिए इसको आप मुझे करके बताइए। यहाँ पे परिवर्त आव्यूह के नाम से आपको समझ जाना है कि यहाँ हमें क्या करना है। अगर इसको हम आव्यूह a बोल रहे हैं, a बराबर 5, 1/2 और -1, अगर हम इसको आव्यूह a बोल रहे हैं तो इसका परिवर्त आव्यूह, आप कहेंगे a का परिवर्त आव्यूह क्या आएगा, a डैश से दिखाएंगे तो a का परिवर्त आव्यूह a डैश बराबर कितना आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। तो यहाँ तो है ही एक पंक्ति, तो इसको आप स्तंभ में बदलेंगे तो आपके पास एक आव्यूह आएगा जिसमें कि सिर्फ एक स्तंभ होगा और जिसके अवयव 5, 1/2, -1 ये हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रकार से ये जो पंक्ति आव्यूह है इसका परिवर्त आव्यूह एक स्तंभ आव्यूह आपको मिल जाएगा। पंक्ति आव्यूह कौन सा आव्यूह होता है, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है, और स्तंभ आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें सिर्फ एक स्तंभ होता है। तो जब आपने इस पंक्ति आव्यूह का परिवर्त किया तो आपको जो परिणाम मिला उसमें एक स्तंभ आव्यूह मिला, राइट। और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक आव्यूह दे रखा है आपको 1, 2, 2, 3। अब आपको यहाँ पे ai2 का मान निकालना है। ये बताइए i से आप किसको दिखाते हैं, आप जानते होंगे कि i हमारा क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है। और ai2 लिख दिया तो इसका मतलब एक ऐसा तत्समक आव्यूह जिसकी कोटि 2x2 हो, क्योंकि तत्समक आव्यूह हमेशा क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। और वर्ग आव्यूह है तो बस यहाँ पे 2 लिख देने का मतलब ये हो गया कि जो इसकी कोटि है वो 2x2 की है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको i2 का मतलब खुद ही समझ जाना है। तो ai2 मतलब यहाँ पे आव्यूह a की बात हो रही है और उसकी गुणा करवाएंगे हम तत्समक आव्यूह से जिसकी कोटि 2x2 होगी। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमने यहाँ पे आव्यूह a रखी है और उसकी गुणा करवाने वाले हैं हम एक तत्समक आव्यूह से जिसकी कोटि 2 है। इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, आप जानते हैं कि ये जो दोनों आव्यूह है ये 2x2 कोटि की हैं, इनके गुणनफल से मिलने वाला जो आव्यूह होगा इसकी भी कोटि 2x2 की होगी। और इसकी कोटि 2x2 की होगी मतलब इसके अवयव a11, a12, a21 और a22 इस रूप में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं a11 का मान। ये बताइए a11 के मान के लिए आपको पहली पंक्ति के अवयवों को पहली स्तंभ के अवयव से गुणा करना है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ मतलब 1 1 1 प्लस
फिर ये दूसरा अवयव को दूसरे से, 2 0 0, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति ये और इसका दूसरा स्तंभ ये, पहले अवयव को पहले से करेंगे तो 1 0 0 प्लस 2 1 2, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 1 2 प्लस 3 0 0, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 0 0 प्लस 3 1 3। ये करते हैं हम, इनके संगत अवयवों को गुणा करके इनका योग कर देते हैं, राइट। अब क्या आएगा इसका उत्तर हमारे पास, आप देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 3 3। क्या ये वापस अवयव ए ही नहीं मिल गया, बताइए, मिल गया ना। तो इससे आपको एक बात और पता चले कि किसी भी अवयव को उसके तत्समक अवयव से गुणा करवाने पर आपको वापस वही अवयव मिलता है। तो अगर आप इसकी गुणा ना भी करते और सीधा ये भी लिख देते ना, तब भी आपका उत्तर सही होता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, किसी भी अवयव को उसके योगात्मक तत्समक के साथ योग करोगे तो वही अवयव आएगा ना, और किसी भी अवयव को उसके गुणात्मक तत्सम के साथ गुणा करोगे तो वही अवयव आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ अवयव में होता है, ये अवयव का तत्समक है, तो अवयव को उसके तत्समक के साथ गुणा करेंगे तो हमें वापस वही अवयव मिलेगी, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे उस वर्ग अवयव a बराबर ए आई जे का नाम बताना है आपको, जिसमें ए आई जे बराबर 0 होंगे जब i इज नॉट इक्वल टू j होगा। ये थोड़ा सा गणितीय रूप है, हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, समझने की कोशिश करना इसको। यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो बात की गई है एक वर्ग अवयव की, तो वर्ग अवयव पता है आपको, उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक जैसी होगी, और आप जानते हैं कि किसी अवयव को ए आई जे के रूप में भी लिखा जा सकता है, उसमें आई क्या होता है उसके पंक्ति को बताता है, और जे क्या होता है उसके स्तंभ को बताता है, राइट। तो यहाँ पे आपको उस वर्ग अवयव का नाम बताना है। अब देखो, वर्ग अवयव के नाम की बात आई है तो इसका मतलब हमने जो अवयव के प्रकार पढ़े थे उसमें से ही कोई होगा, है ना। और वर्ग अवयव में आपने बहुत सारी अवयव पढ़ी थी, आपने उसमें विकर्ण अवयव पढ़ी थी, तत्समक अवयव पढ़ी थी, सम्मित अवयव पढ़ी थी, तो आपने बहुत सारी तरीके की वर्ग अवयव उसमें पढ़ी थी। अब हमें भी बताना है कि ऐसी कौन सी वर्ग अवयव होगी जिसमें ए आई जे का जो मान 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा। आई इज नॉट इक्वल टू जे होने का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे हम एक वर्ग अवयव लिख रहे हैं, ये हो जाएगा a11, a12, ऐसे लिखते जाएंगे, फिर अगली पंक्ति में आएंगे तो a21, a22, ऐसे लिखेंगे, तो ये अवयव हम यहाँ पे इसी प्रकार लिख सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पे पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमें बराबर रखनी है, इस प्रकार से यहाँ पे अवयव लिखे जाएंगे। तो ये जो अवयव है ये ए आई जे के रूप में है, हमें ये कहा है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब यहाँ पे हम उन स्थानों की बात करेंगे जहाँ पे आई और जे का मान बराबर नहीं होगा। आई और जे का स्थान बराबर कहाँ पे होता है, ये देखिए, जैसे ये 1 1 2 2, यहाँ आएगा 3 3, फिर 4 4, ये जो विकर्ण के अवयव होते हैं सिर्फ इसमें आई और जे का मान बराबर आता है, बाकी कहीं नहीं आता। तो इस प्रश्न में ये कहा है कि ए बराबर ए आई जे का मान बताइए जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब सिर्फ ये वाले अवयव छोड़कर बाकी सारे अवयव कैसे आएंगे, 0 आएंगे। अगर हम इस हिसाब से एक 3 क्रॉस 3 की अवयव लिखें तो कैसी आएगी, तब हमें कुछ इस प्रकार की अवयव मिलेगी। यहाँ पे हर एक ए आई जे 0 के बराबर है जब ए आई और जे बराबर नहीं थे। तो यहाँ पे आपसे इस वर्ग अवयव का नाम पूछा है कि इस प्रकार के अवयव कौन सी अवयव होती है, बताइए, अगर आपको इस प्रकार की अवयव देखने को मिले तो ये कौन सी अवयव होगी। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये एक विकर्ण अवयव है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विकर्ण के अवयव है, बाकी सारे अवयव शून्य है। उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये एक सममित अवयव है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, अगर हम इसका परिवर्त करें तो हमें वापस यही अवयव मिलेगी, तो उनका भी उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे उत्तर देंगे कि इस प्रकार के अवयव एक विकर्ण अवयव और एक सममित अवयव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपने सिर्फ एक का ही नाम लिया कि ये अवयव विकर्ण अवयव है, तब भी आपका उत्तर गलत नहीं है।
अगर आपने कहा कि सम्मित है तब भी गलत नहीं है, और आपने इन दोनों का नाम दे दिया तब भी उत्तर आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं 1 मार्क्स के लिए। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या कहा है, x तथा y ज्ञात कीजिए, यदि x प्लस वाई बराबर ये वाला आव्यूह तथा x माइनस वाई बराबर ये वाला आव्यूह हो। आप जानते हैं यहाँ पे दो आव्यूह का योग एक आव्यूह होगा और दो आव्यूह का अंतर एक आव्यूह होगा, है ना। इसका मतलब x और y क्या होंगे, इसी कोटि के कोई दो आव्यूह रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें कोई दो आव्यूह का योग और अंतर दे रखा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों का योग कर दें। इन दोनों का योग करने से क्या होगा, देखिए ये हमारे पास x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है। दोनों का जब आप योग करेंगे तो y कट जाएगा, हमें 2x का मान मिल जाएगा, 2x एक आव्यूह मिल जाएगी, तो यहाँ से हम आव्यूह x निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हमें आव्यूह x मिल जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे आव्यूह x का मान रखने के बाद आव्यूह y मिल सकती है, या फिर एक और काम हो सकता है कि इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, तब हमें आव्यूह y मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इन दोनों के योग से। आप कहेंगे दोनों आव्यूहों को जोड़ने पर, हम इसको जोड़ना इसलिए चाह रहे हैं जिससे कि आव्यूह एक्स मिल सके, उससे आव्यूह वाई खत्म हो जाएगी ना। तो दोनों आव्यूहों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, ये होगा एक्स प्लस वाई फिर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर, इन दोनों आव्यूहों का योग करेंगे हम। तो यहाँ देखिए इन दोनों का योग करने पर क्या मिलेगा, ये प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x बराबर, और इन दोनों आव्यूहों का योग 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। तो इन दोनों आव्यूहों का योग हमें इस प्रकार मिलेगा। तो यहाँ से क्या आप आव्यूह x निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये x का 2 गुना है ना, तो आव्यूह x इसका हाफ हो जाएगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/2 और ये वाला आव्यूह, तो ये हो जाएगा राइट। इसको और हल करके लिखा जा सकता है, इस 1/2 को अंदर गुणा कर दे तो आव्यूह x किसके बराबर होगी, 10/2 5 0 8/2 4। तो ये हमारे पास आव्यूह x आई है। अब हम जानना चाहते हैं आव्यूह y का मान। जैसे हमारे पास आव्यूह a दोनों को जोड़ने पर आई है, इसी प्रकार से दोनों आव्यूहों को घटाने पर हमें y का मान मिल जाएगा, क्योंकि इस बार x कैंसिल हो जाएंगे, पिछली बार y कैंसिल हुए थे तो हमें x मिल गया था, इस बार x कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें आव्यूह y मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आव्यूह माइनस दूसरा आव्यूह है x माइनस वाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जब आप इन दोनों आव्यूह को घटाएंगे तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस वाई, मतलब कि इन दोनों को घटाने पर हमें 2y का मान मिलेगा। 2y का मान क्या होगा, ये होगा 7 माइनस 3 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2। ये आव्यूह 2y का मान है, हमें चाहिए y का मान, तो y के मान के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, है ना। तो इसका हाफ आएगा, ये हो जाएगा 2011, ये हमारे पास आव्यूह y आई है। तो यही तो पूछा था, बस यहाँ पे आपको x और y आव्यूह बताना था। तो ये है आव्यूह x और ये है आव्यूह y, क्लियर। ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा है कि यदि a बराबर 2x 2y का एक आव्यूह दे रखा है और ये बराबर है 10 और 15 के एक आव्यूह के, ठीक है, तो यहाँ पे आपको x और y का मान बताना है। क्या आप यहाँ पे इनकी तुलना करके x और y का मान बता सकते हैं? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि हम इसकी तुलना क्यों कर पा रहे हैं। ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर दे रखे हैं, तो कोई भी दो आव्यूह समान आव्यूह तब होते हैं, सबसे पहले तो उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो दोनों आव्यूह समान हो सकते हैं अगर उनके संगत अवयव बराबर हो। तो यहाँ पे कोटि तो दोनों के बराबर है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों समान दे रखे हैं, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इनके संगत अवयव बराबर है। संगत अवयव कौन से हैं? ये 2x और ये 10, तो 2x 10 के बराबर है और ये 2y इस 15 के बराबर है। तो इसको हल करने के बाद आपको x का मान मिलेगा 5
और y का मान मिलेगा 15/2, राइट। यही तो हमसे पूछा था, x और y के तो मान निकाले थे और तो कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में। तो ये वाले प्रश्न भी आपके 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, आपको 2 ऑप्शन दे दी जाती है और यहाँ पे x, y, a, b, c किसी भी चीज का मान पूछ लिया जाता है, तो आपको उनके संगत अवयवों की तुलना करके वहां पे x, y या जिसका भी मान पूछा है वो मान दे देना है, ठीक है। इस प्रश्न में 2 अवयव दिए गए हैं, अवयव a और अवयव b, और आपको सत्यापित करना है कि ए बी के गुणनफल का परिवर्त बराबर होता है बी के परिवर्त गुणा ए के परिवर्त के लिए। तो यहाँ पे इसको सत्यापित करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, मतलब दोनों अवयव का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 अवयव ए और बी लिख लिए है, इन दोनों का गुणा करके क्या मिलेगा हमें, जल्दी से इसको गुणा करके बताइए। मुझे लगता है अब तो सारे बच्चों को गुणा करना बहुत ही अच्छे से आता होगा अवयव को, है ना, काफी प्रैक्टिस हो चुकी है गुणा करने की। यहाँ पे 2×2 कोटि की अवयव हमें मिलेगी गुणा करके, जिसमें से उसका पहला अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को अटेम्प्ट करके मिलेगा। 2 3 6 प्लस 3 2 6, 2 4 8 प्लस 3 1 3, 0 × 3 0 प्लस 1 × 2 2, 0 × 4 0 प्लस 1 × 1 1। तो यहाँ पे इसको हल करके आपको मिलेगा 12, 8 और 3 11, ये 2 और ये 1, राइट। तो ये तो आया ए और बी के गुणनफल का मान, लेकिन अभी हमें सिर्फ गुणनफल करके नहीं छोड़ना है, हमें इसका गुणा करके इसका परिवर्त भी करना है। तो अभी तो हमारे पास अवयव ए भी आया, अब हम निकालेंगे ए बी का परिवर्त। तो ए बी का परिवर्त मतलब कि ये जो ए बी आया था इसका परिवर्त करने पर इसके पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल जाएंगे। तो इसका परिवर्त करके हमें मिलेगा 12 और 11 जो इस पंक्ति के अवयव है वो अब इस स्तंभ के बन जाएंगे, और 2 और 1 जो दूसरी पंक्ति के अवयव है वो दूसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये अवयव ए बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों पक्ष एक जैसे आ रहे हैं। राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है, बी का परिवर्त निकालना है, फिर ए का परिवर्त निकालना है और फिर उसके बाद इनको गुणा करना है। अब ये बताइए अवयव बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका परिवर्त क्या आएगा। पहले हम यहाँ पे इसका परिवर्त करके लिखेंगे जिसमें कि पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल जाएंगे। तो अवयव बी डैश हमारे पास आएगी 3 4 2 1। इसी प्रकार से जब अवयव ए का आप परिवर्त करेंगे तो अवयव ए डैश आएगी 2 3 0 1। तो ये 2 अवयव मिलेगी हमें, ये बी डैश और ये ए डैश, इन दोनों को गुणा करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 2 6 प्लस 2 3 6, 3 0 0 प्लस 2 1 2, 4 2 8 प्लस 1 3 3, 4 0 0 प्लस 1 1 1। तो ये बराबर होगा 12 2 11 1 के। अब चेक करके बताइए क्या ये दोनों अवयव एक जैसे नहीं है। दोनों अवयव समान होने के लिए क्या होगा, एक तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए और उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। तो ये वाली अवयव भी 2×2 कोटि की है और ये वाली अवयव भी 2×2 कोटि की है, और क्या इनके संगत अवयव भी बराबर है। तो इसका भी पहला अवयव 12 है और इसका भी पहला अवयव 12 है। यहाँ पे 2, ये भी 2, 11, 11, 1, 1। इन दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर है। तो आप क्या कहेंगे कि ए बी का परिवर्त बराबर होगा किसके, बी परिवर्त गुणा ए परिवर्त के। तो हो गया ना ये सत्यापित। इसी प्रकार कोई और अवयव दे दी जाए, कुछ और सत्यापित करने के लिए दिया जाए, तो आपको यही करना है, बायां और दायां पक्ष अलग अलग हल करेंगे और उसके बाद उनकी तुलना कर देंगे, ठीक है। इस प्रश्न में आपको 3 अवयव दिए गए हैं ए बी सी, और आपसे एक चौथा अवयव डी निकालने के लिए कहा गया है। आपको वो अवयव डी यहाँ पे ज्ञात करना है जो कि इस दिए गए गुणधर्म को संतुष्ट करेगा कि सी डी माइनस ए बी बराबर 0 होना चाहिए। ऐसा अवयव आपको डी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए
यहाँ पे जो आव्यूह डी निकलेगा वो 2x2 कोटि का ही निकलेगा, क्यों पता करते हैं क्यों, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ आपको c गुणा डी करना है राइट, और वो माइनस करना है ए बी से। आप पहले ये बताइए कि अगर a और b को आप गुणा करेंगे तो आपको किस कोटि की आव्यूह मिलेगी? 2x2 कोटि की मिलेगी, क्योंकि ये भी 2x2 कोटि की है और ये भी 2x2 कोटि की है, तो दोनों को गुणा करने पर 2x2 कोटि की आव्यूह मिलेगी। और किसी दो आव्यूह का अंतर कब संभव है? जब वो समान कोटि का हो, मतलब कि जो आव्यूह सी डी होगी वो भी कैसी होगी? 2x2 कोटि की, है ना। और सी डी में से जो आव्यूह सी है वो 2x2 कोटि की है, तो आव्यूह डी को किस कोटि का होना चाहिए कि वो कि दोनों का गुणनफल 2x2 आए? तो आप जानते हैं दो आव्यूह को गुणा करते समय इन दोनों को सेम होना चाहिए, मतलब m का मान 2 आना चाहिए, और इन दोनों का गुणनफल 2x2 आना चाहिए, इसका मतलब ये और ये, इसका मतलब यहाँ पे n का भी जो मान है वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आव्यूह d है वो किस कोटि की है? 2x2 कोटि की है, राइट। तो यहाँ पे हम आव्यूह d को एक आव्यूह इस प्रकार से मान सकते हैं, माना d बराबर एक आव्यूह हो जाएगी इस प्रकार की जिसके अवयव ए बी सी डी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप A1, A2, A3, A4 या D1, D2, D3, D4 किसी भी प्रकार के अवयव ले सकते हैं, या A11, A12, A21, A22 इस प्रकार से भी अवयव रख सकते हैं। तो जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा रखिए। तो मैंने यहाँ पे आव्यूह डी एक 2x2 कोटि की आव्यूह ली है जिसके अवयव ए बी सी डी द्वारा निरूपित करें, ठीक है। अब हमें क्या करना है? C का D के साथ गुणनफल करना है और A का B के साथ गुणनफल करना है। तो चलिए पहले हम C का D के साथ गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पे C गुणा D किसके बराबर आएगा? यहाँ पे C और D की गुणा करने के लिए हमने आव्यूह C और D को एक दूसरे के साथ रखा है, और अब इसको गुणा करके देखिए क्या मिलेगा। ये हो जाएगा 2 × A 2A प्लस 5 × C 5C, 2 × B 2B प्लस 5 × D 5D, 3 × A 3A प्लस 8 × C 8C, 3 × B 3B प्लस 8 × D 8D। तो ये हमारे पास आव्यूह आई है सी डी। अब हमें क्या, कौन सी आव्यूह चाहिए? आव्यूह ए बी। तो यहाँ से बताइए आव्यूह ए बी का मान क्या आएगा? यहाँ पे आव्यूह ए बी आएगी 2 × 5 10, −1 × 7 −7, 2 × 2 4, −1 × 4 −4, 3 × 5 15, 4 × 7 28, 3 × 2 6, 4 × 4 16। तो ये आई आव्यूह ए बी। इसको थोड़ा और हल करते हैं, इसका क्या मान मिलेगा? 10 −7 3, 4 − 4 0, 28 + 15 43, 16 + 6 22। अब आपका काम किया है कि इन दोनों आवयों का अंतर निकालना है। दो आवयों का अंतर मतलब उनके संगत अवयवों को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हमें सी डी में से ए बी को माइनस करके क्या मिलेगा? यहाँ पे हमने आवयू सी डी रखी है और यहाँ पे आवयू ए बी, इन दोनों का अंतर आवयू जीरो द्वारा दिखाया गया है ना, इसका मतलब दोनों का अंतर एक शून्य आवयू आएगा। तो इन दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा हमें? 2a प्लस 5c माइनस 3 ये मिलेगा, और ये 2b प्लस 5d माइनस 0, 3a प्लस 8c माइनस 43, 3b प्लस 8d माइनस 22, और ये सब किसके बराबर होगा? ये सब 0 के बराबर होगा, शून्य आव्यूह के बराबर होगा। और इनको जब आप तुलना करोगे तो यहाँ से आपको ए बी सी डी के मान मिलेंगे। कैसे? ये देखिए, इन दोनों आवयों की तुलना करने पर 2a प्लस 5c माइनस 3 जीरो के बराबर होगा। आप जानते हैं आपको जितने मान की जरूरत होती है आपको उतनी ही समीकरण की भी जरूरत होती है, उतनी ही समीकरणों को भी हल करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे यहाँ पे 2b प्लस 5d माइनस 0 बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आपके पास चार समीकरणें बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें चार मान निकालने हैं।
हमने डी अपनी मर्जी से लिया था ना एबीसीडी, तो ये चार मान हमें निकालने हैं। और इन चार अवयवों की, इन चार अवयवों से जब आप तुलना करोगे तो आपको चार समीकरण मिलेगी। तीसरी समीकरण आपको मिलेगी 3a + 8c - 43 = 0। इन चारों समीकरणों को हल करने के बाद आपको ए बी सी डी का मान मिलेगा। और चौथी समीकरण क्या होगी, 3b + 8d - 22 = 0। तो ये हमारे पास चार समीकरणें आ चुकी है। अब हमारा काम है इन चारों समीकरणों को हल करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले इस वाली और इस वाली समीकरण को हम हल कर देते हैं जिससे कि ए और सी का मान मिल जाए, और फिर ये समीकरण दो और चार को हल कर देंगे जिससे कि बी और डी का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए बताइए, अगर हम इस पहले वाली समीकरण को 3 से गुणा कर दें तो ये बनेगी 6a + 15c - 9 = 0, और इसको 2 से गुणा कर दें तो ये बनेगी 6a + 16c - 86 = 0। और दोनों समीकरणों को हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 - 16 - 1, और -9 + 86 कितना हो जाएगा, 77, ये हो जाएगा +77। तो यहाँ से c की वैल्यू 77 आएगी। तो c का ये मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें यहाँ से a का मान मिलेगा। c का मान यहाँ रखने पर बनेगा 2a + 5c। 5c मतलब यहाँ पे 77 × 5 करेंगे कितना आएगा, 385, और माइनस का 3 = 0। तो यहाँ पे 2a का मान कितना आ जाएगा, 385 - 3 = 382, इधर हो जाएगा माइनस का 382। तो a का मान आ जाएगा -382/2 = -191। तो ये हमारे पास a का मान आया, तो a का मान आया -191 और c का मान आया 77। ठीक है इतना। अब क्या करना है, अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6b + 15d = 0, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6b + 16d - 44 = 0। इनको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा -d + 44 = 0। तो यहाँ से d का मान कितना आया, 44। ठीक है, d का मान 44 आया। अब यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो 2b + 44 × 5 कितना आएगा, 220 = 0। तो b का मान आएगा -220/2 मतलब कि -110, ये आया b का मान। तो अब हमारे पास a b c d चारों के मान आ गए हैं। तो जब हमारे पास a b c d चारों के मान आ गए हैं तो हमसे पूछा गया था कि आप यू d का मान बताइए, तो आप यू डी क्या हो जाएगी, -191 - 110 - 77 और 44। तो ये आएगी हमारी आव्यू डी। ठीक है,